अस्सलाम एवरीवन, दिस इज़ शेफ शगुफा फ्रॉम नूरुल्फा शगुफा। एक बार फिर आपके खिदमत में हाजिर हूँ। बहुत सारे लोगों ने जो है वो मुझे ये कहा कि उनका पैनकेक राइस नहीं होता, पैनकेक मज़े का नहीं बनता, और उसकी रेसिपी भी मैंने कई बार जो है वो शेयर भी की है। और आज जो है वो मैं आपको सुबह सुबह, इस वक्त 8:30 हो रहे हैं यहाँ सऊदीया में, जुमे का दिन है, सब सो रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं आज जो है वो पैनकेक बना के रख देती हूँ बच्चों के लिए। मेरे हस्बैंड का भी फेवरेट है और बच्चों का भी बहुत फेवरेट है। कल मैंने जो है वो एक सूप की ज़बरदस्ती रेसिपी बनाई है, मैं आज टाइम निकाल के उसको अपलोड करूँगी, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी फैमिली का फेवरेट है, बहुत पसंद करते हैं सब, जिसे आप लोग रामन भी कहते हैं, ठीक है। उसमें नूडल, उसके अंदर एग, उसमें ब्रॉथ, उसमें चिकन, ठीक है, उसमें बीफ, उसमें चिली पेस्ट, बहुत सारे जो है वो उसके कॉन्डिमेंट्स होते हैं जो उसको जो है वो बहुत ही टेस्टी कम्प्लीट मील बना देते हैं। मैंने कल कुछ खाना नहीं बनाया था, इट वॉज़ अ कम्प्लीट लाइक यू नो बोल फॉर एवरी वन। तो चलिए वापस आते हैं, आपको मैं पैनकेक का बताती हूँ। ये देखें, मेजरिंग कप्स जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास मेजरिंग कप्स नहीं है तो आप मेजरिंग कप्स ले लें बेकिंग के लिए, कुकिंग के लिए, जो न्यू है स्पेशली इन दिस फील्ड, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। मैं तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो अंदाजे से डालती हूँ, स्पून नहीं यूज़ करती, लेकिन फॉर द बिगिनर्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड स्टार्ट विद द प्रॉपर गैजेट्स, के आपको जो है वो पता हो कि आपको क्या चीज़ कितनी क्वान्टिटी में लेनी है। तो ये देखिए, मेरे पास पूरा बोल जो है वो इस वक्त रेडी है। 1.5 कप मैंने इसके अंदर जो है वो मैदा रखा हुआ है, 1 कप मैंने इसके अंदर शुगर डाली है, थोड़ा सा जो है वो आपको पता है कि पैनकेक जो है वो लाइट स्वीट होगा क्योंकि आपने उसके ऊपर मेपल सिरप है, बच्चे न्यूटेला लेते हैं, हनी लिया जाता है इसके साथ, इसके अलावा आप जो है वो मुख्तलिफ लाइक यू नो ड्राई कैंडीड फ्रूट्स, आप इसमें कैंडीड पील्स जो होती हैं वो आप ले सकते हैं, ग्रैनुलर ले सकते हैं आप, मॉस्कोपोन चीज़ मैंने निकाल के रखी है, मैं इसकी भी आपको भी जो है वो टॉपिंग बताती हूँ, बहुत ही मज़े का लगता है। रेस्टोरेंट में आपको इतना रिच, इतना एक्सपेंसिव जो है वो मील नहीं मिलता और वो इतना बरकत वाला भी नहीं होता, लेकिन आप घर में अगर बनाते हैं तो हाई क्वालिटी इन्ग्रीडियंट्स के साथ आप बना सकते हैं। तो मैं वापस आ रही हूँ, उसमें मैंने क्या क्या चीज़ें डाल दी हैं। इसमें मैंने 1.5 कप जो है वो मैदा डाला है, इसके अलावा 1 कप जो है वो मैंने इसके अंदर शुगर डाली है। कप आपकी चाय का कप नहीं है, कप मेजरिंग कप है, ठीक है, ये याद रखिएगा आप। स्पून भी जो है वो मेजरिंग स्पून्स होते हैं, वो आपके घर के टी और टेबल स्पून नहीं होते, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर मैंने पिंच ऑफ जो है वो सॉल्ट डाली है, 1/4 टी स्पून जो होता है बिल्कुल मिनिमम वाला, इसका भी आधा, ठीक है, वो सॉल्ट डाल दिया आपने। 1/2 टी स्पून जो है वो मैंने इसमें बाइकार्ब डाला है, सोडा बाइकार्ब, और इसके अलावा 1 टी स्पून मैंने इसके अंदर बेकिंग पाउडर डाल दिया है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर है मौजूद, ब्लेंडर में डालूंगी, उसके साथ ये कनोला ऑयल, नॉर्मल बटर नहीं यूज़ कर रही, ऑयल यूज़ कर रही हूँ। रेस्टोरेंट्स में भी जो है वो बटर नहीं यूज़ होता, ऑयल ही यूज़ होता है, ठीक है। और बटर से हम हल्का सा पैन ग्लेज कर देंगे, ऊपर से आप डॉलप बटर का डाल दें, वॉट एवर यू लाइक वो आप कर सकते हैं। और साथ मिल्क है, इसको इसकी थिकनेस को कम और ज़्यादा करने के लिए वो डिपेंड करेगा कि अंडा कितने बड़ा साइज़ का है, ठीक है। मैं 2 अंडे ले रही हूँ इस वक्त, दो एग्स, ठीक है, डायरेक्ट। वैसे तो आपको इसको किसी बोल में पहले उतारना चाहिए कि अगर अंडा आपका ख़राब हुआ तो आपका बाकी का सामान ख़राब नहीं होगा, लेकिन मैंने जो है वो डायरेक्ट अभी इसको डाल दिया है। अच्छा, अब हम जो है वो ये बाकी के इन्ग्रीडियंट इसमें डालेंगे। मैं कोई वाइट, और देखिए ये कोई बेल्जियन वॉफल्स वगैरह या कुछ इस तरह की तो चीज़ें हैं नहीं, तो सिंपल ये पैनकेक है, तो मैं इतना पेन नहीं लेती इसमें। और ये क्योंकि मेरे घर में बन रहा होता है ऑन एंड ऑफन, तो मैंने अपने बच्चों को भी बस ऐसे ही सिखाया है कि इसको डायरेक्ट जो है वो आप डालें एंड विजिट, एक कप उसको ब्लेंड करेंगे। ये देखिए, मैंने 1/2 कप उठाया है, 1/2 कप मैंने नॉर्मल कनोला ऑयल जो है वो इसके अंदर डाल दिया आपके सामने, 2 अंडे मैंने डाल दिए हैं, बाकी की मेजरमेंट्स आपको बता दी, 1.5 कप मैदा हो गया, इसके अलावा पिंच ऑफ सॉल्ट हो गया, इसके अलावा इसके अंदर बाइकार्ब जो है वो मैंने डाला है, बाइकार्ब जो है वो 1/2,
टीस्पून जो है वो डाला है। इसके अलावा मैंने इसके अंदर बेकिंग पाउडर डाला है जो 1.5 टीस्पून है। मेजरमेंट्स डाल के कीजिएगा, ठीक है। हाफ कप मैंने इसके अंदर आपके सामने अभी डाला है ऑयल, और अब ये मेरे पास तकरीबन आप समझिए 1 कप जो है वो ये मिल्क है। हम इसको विज करेंगे, वी विल सी इसकी कंसिस्टेंसी क्या है, हमें जो है वो और कुछ डालना है या नहीं डालना। ये फ़िलहाल तो मेरी मेजरमेंट्स हो गई हैं, इसको मैं कर रही हूँ कवर, और मैं जरा इसको से आप इसको साइड से जो भी ब्लेंडर में है आप उसको अच्छा देखें। 1 कप जो मिल्क है वो ऑफ कोर्स कम है, तो हमें जो है वो इसके अंदर और मिल्क डालना होगा। तो मैं जो हूँ वो अभी इसके अंदर और मिल्क डालती हूँ, जल्दी से लेकर आती हूँ। अब ये देखिए मैंने इसके अंदर अंदाजे से जो है वो 1/4 कप में जो है वो और डाल दिया है, क्योंकि सब चीज़ें ब्लेंड मिक्स तो हो गई हैं लेकिन इसकी कंसिस्टेंसी भी आपको जो है वो पैनकेक वाली जो है वो रखनी है, ठीक है। तो मेरा ये ख्याल है कि इट्स परफेक्ट नाउ, और अब जो है वो हम इसको अपने एक बोल में निकाल लेंगे। और छोटे वाले स्पून से मैं अभी आपको चीज़ें दिखाती हूँ कि मैंने जो है वो कौन कौन सी शेप्स और साइज रखे हुए हैं टू सूट यू एंड योर फैमिली। जी पैनकेक का बैटर तो हमारा तैयार हो चुका है, ठीक है। अभी अब हम उसको बनाएंगे, उससे पहले मैं थोड़ी सी आपको जो है क्रीम बनाना सिखा रही हूँ, तो वो पैनकेक के ऊपर आप जो है वो एज अ टॉपिंग यूज़ कर सकते हैं, तो मैं आपको सिखा दूँ, ठीक है। उसको भी हम देख लेंगे, मॉस्कोपॉन चीज़ है, ठीक है। इसको मैं जो हूँ वो डाल रही हूँ इसके अंदर, और हम जो हैं वो थोड़ा सा डालेंगे इसमें मेपल सिरप फॉर फ्लेवर। आप चाहें तो आप वो भी डाल सकते हैं, वनीला एसेंस भी डाल सकते हैं, ठीक है ना, कॉफ़ी एसेंस डाल सकते हैं, वॉट एवर एसेंस लाइक यू नो यू फील लाइक एडिंग टू योर क्रीम, वो आप उसको डाल सकते हैं, बेस्ट होती है। मुझे तो मॉस्कोपॉन बहुत पसंद है, मैं इसको ज़रूर यूज़ करती हूँ अपनी टॉपिंग्स में, बहुत ही डिफरेंट फ्लेवर आता है। और ये थोड़ी सी आइसिंग शुगर है, दैट्स इट। इसको हम मिक्स करेंगे अच्छे से, और आपकी समझ ली के मज़ेदार सी चीज़ टॉपिंग जो है टू टॉप योर पैनकेक रेडी हो जाएगी। मैं ज़्यादा नहीं यूज़ करूँगी क्योंकि ये बड़ा टब है, ठीक है। तकरीबन आप समझिए मैंने 1/2 कप जो है वो क्रीम ले ली है। अगर ये थिक हो तो आप इसके अंदर नॉर्मल जो कुकिंग क्रीम होती है आप वो भी डाल सकते हैं। और थोड़ा सा मैं इसके अंदर आइसिंग शुगर डाल रही हूँ, ठीक है। तो मेक इट लाइक यू स्वीट, वो थोड़ा सा कितना है 1/4 कप, ठीक है। 1/2 कप में 1/4 कप अभी डाला है फिलहाल, और इसी के ही लिड से तकरीबन आप समझ लें 1/4 टीस्पून के बराबर मैंने इसके अंदर ये मेपल सिरप डाल दिया। मुझे इसका फ्लेवर जो है वो ज़्यादा मज़े का लगता है, और मुझे ये ज़्यादा अच्छी लगती है एज़ कम्पेयर टू वनीला। बस ये जो है वो आप इसको क्रीम को अच्छी तरीके से इसी की वेस से जो है वो क्लीन कर लें अपना स्पैचुला। थिक सी जो है ना वो क्रीमी टेक्सचर वाली जो है वो आपकी टॉपिंग जो है वो तैयार हो गई। आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने थोड़ी सी बस ये बनाई है, मुझे लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि ये बहुत मज़ेदार है, मैंने अपने एक डिज़र्ट में यूज़ किया हुआ था। 1/2 कप मैंने मॉस्कोपॉन चीज़ ले ली, ठीक है, और उसमें मैंने जो है वो 1/4 कप आइसिंग शुगर डाल के 1/4 टी स्पून जो है वो मेपल सिरप डाल के, दैट्स इट। और ये बस
वेरिएशन होती हैं वो फिर इंशाल्लाह जब बेकिंग क्लास कराऊंगी, मैं अभी बेकिंग क्लास करा रही हूँ, जिसको जो है वो इंटरेस्ट है, यू नो स्पेशली बच्चे, मेरे तो बच्चे बहुत शौक से, उनके भी ये ब्रेक आ गई है इस वीक की, तो मैंने यही सोचा कि मैं इसमें जो है वो अच्छी बच्चे भी मेरे जो है वो सीखेंगे, और आप लोगों को अगर सीखना है बड़े बच्चे जो भी, तो आप जो है वो मुझे जो है वो मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए ये हमारी आइसिंग जो है वो रेडी हो गई है, इसको मैं पहन रही हूँ पीछे, और अब मैं इसको जो है वो नॉजल में डालूंगी अपने पाइपिंग बैग में, और फिर हम जो है ना वो इसको आराम से पैनकेक रेडी हो जाएगा, उसको थोड़ा सा ठंडा कीजिएगा, डायरेक्ट अगर गर्म पे डालेंगे तो ऑफकोर्स वो मेल्ट हो जाएगी, वो हम करेंगे। अभी हम आपको पैनकेक का बताते हैं कि वो हम जो है वो कैसे बना रहे हैं। अच्छा जी, ये देखिए मेरे पास यहाँ पर हर साइज़ के और मुख्तलिफ तरीके के जो हैं वो गैजेट्स जो हैं वो पड़े हुए आपको नज़र आ रहे होंगे टू डू द पैनकेक। ये मैंने अपने बच्चों के हिसाब से, अगर आपको इस तरह के उसमें बनाना है छोटे उसमें, तो ये देखें ये ठीक है 4 वाला है, ये 8 वाला भी मिलता है और ये 12 वाला भी मिलता है, ठीक है। मैं अभी जाऊंगी यहाँ पे साको तो मैं ले आऊंगी, मेरे पास इस वक्त यही मौजूद था, तो मैंने जो है वो इसके अंदर ये आपको दिखाने के लिए, ये देखें जब ये थोड़ा सा ऊपर से बबल्स आने लग जाए, ठीक है नज़र आ रहा है आपको, ऊपर से बबल आने लग जाएंगे तो आपने जो है वो इसको फ्लिप कर देना है, ठीक है जी। ये आप देख रहे हैं मैं आहिस्ता आहिस्ता इसको लिफ्ट करके, और ये एक दफ़ा में आके, अब आप देखें ये कितने बेहतरीन जो हैं वो बन रहे हैं। मैंने कुछ भी नहीं किया, आपके सामने सारे इंग्रेडिएंट्स एक साथ डाल दिए थे, ठीक है। मैंने किसी भी किस्म का जो है वो कोई सेपरेट एग वाइट और एग योग जो लोग करते हैं, ठीक है ना, कुछ भी नहीं है। इट्स सच अ ईजी थिंग टू डू, और बहुत सारी इसकी वेरिएशंस हैं। मैं जब क्लास कराऊंगी ना तो मैं उसमें भी जो है वो इंशाल्लाह ज़रूर सिखाऊंगी। ये सिंगल वाला भी मैंने जो है वो एक ऐसे ही अलग से डाल दिया था, इसके अंदर भी मैं अभी डालती हूँ, आप लोगों को बताती हूँ, ठीक है। ये वाला एक साइज़ भी मेरे पास पैनकेक का पड़ा हुआ है, अगर उसको थोड़ा सा बड़ा करना है ना तो आपको ना इसकी कंसिस्टेंसी जो है ना थोड़ी सी थिन करनी होगी। आपकी देखिए मेरे बैटर की जो कंसिस्टेंसी है, इस लेडल से मैं डाल रही हूँ, देखिए आप विस्कस है, रनी नहीं है, ठीक है, इट इज़ विस्कस बट नॉट वाटरी और रनी नहीं, आप देखें, ठीक है, ये इसकी कंसिस्टेंसी। और आप जब ये रेडी हो जाए तो आप इसके ऊपर हल्का सा, ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, लुक एट दिस, सी हाउ ब्यूटिफुल इट इज़, और इसकी सॉफ्टनेस देखें आप, ठीक है। ये आपका मज़ेदार सा बेहतरीन सा आपका जो है ये पैनकेक रेडी हो गया है। इसको मैं सबको एक साथ यहाँ फ्लिप कर रही हूँ, अभी बच्चे आएंगे और जो है वो इसको डेफिनेटली इंजॉय करेंगे। तो इस तरह जो है अब मैं कुछ को जो है वो इसमें डाल रही हूँ, कुछ को इस वाली शेप में डाल दूँगी, ठीक है ना। हाशिम को पसंद है स्टार शेप एंड हार्ट शेप, तो मैं इसमें सर्कल वगैरह मैं इसमें डाल दूँगी, अब ये जैसे रेडी हो गए ना इस तरह आप देखें, तो आप इसके ऊपर फिर हल्का हल्का सा बटर का, आपको कोई ज़रूरत नहीं है बटर में बनाने की, आप बिल्कुल कनोला ऑयल लें, ठीक है। और ये आप ऊपर से इसको इस तरह करके थोड़ा सा, और मैं इसको ज़रा रिच करने के लिए ये इस तरह फाड़ के, और ये इसके ऊपर आप लगा दें, ये आपका ठीक है ऊपर से थोड़ा सा करने के लिए ये। अब मैं इसकी असेंबलिंग करूंगी सारे बनाने के बाद, और फिर आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें इसके साथ सब इनके लिए जो है वो रखी है। ये देखिए पैन में डाल रही हूँ, मेरे पास एक छोटी सी लेडल है,